इंस टोम्स एंड फोर्ट्स बाग मकबरे तथा किले अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर विकेम मोर कॉम्प्लेक्स बाबर हिमाऊँ अकबर जहांगीर एंड स्पेशली वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर मुगलों के अधीन वस्तुकला और अधिक जटिल हो गई बाबर हुमायूं, अकबर जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां सा साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे इन हीज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हीज इंटरेस्ट इन प्लांट फॉर्मल गार्डेंस प्लेस्ट विद इन रेक्टेंगुलर वाल इंक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इंटू फोर क्वार्टर्स By आर्टिकल्स चैनल्स अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार विभागों में विभाजित चार भागों में विभाजित आयता कर अहाते में स्थित थे औपचारिक भागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है दीज गार्डन्स व चार भाग फॉर गार्डेंस बिकॉज ऑफ देयर सीमेट्रियल डिवीज़न इन टू क्वार्टर्स विगनिंग विथ अकबर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल चौर वर कंस्ट्रक्टेड बाई जहांगीर एंड शाहेजहाँ इन कश्मीर आगरा एंड दिल्ली चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था देयर वर सेवरल इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर रीजन अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए फॉर इंस्परेशन अकबर आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन Ancestor Tamur, the central towering dome, and the tall gateway, because important aspects of Mughal architecture first visible in Himalayan tombs. अकबर के शासनकाल में कई तरह के वास्तुकलात्मक नवाचार हुए और उनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक पूर्ण रूप बन गए द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द ह्यूज फॉर्मल चार बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नॉन्स एज एट पैराडीज और हस्त बहिस्त ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई एट रूम्स द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सेंड स्टोन एड विथ वाइट मार्बल यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था और इसका निर्माण आठ स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था जिसमें एक केंद्रीय कक्ष आठ कमरों से घिरा था घिरा होता था इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने होते थे थैंक यू